तौकीर रजा की भड़काऊ बयानबाजी। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेते हुए सबसे बड़ा आतंकवाद, संघ प्रमुख का नाम लिए बिना उन्होंने नागपुर का नाग बताकर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया। बच्चों, आज हमारे तुम्हारे जुल्म से आतंकवादी न बन जाए, हम समझा रहे हैं। संभल में चल रहे CAA के विरोध में धरना स्थल पर पहुंचे मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा ने मंच से देश के प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेते हुए सबसे बड़ा आतंकवादी कहकर सामने बैठे लोगों से खूब तालियां बजवाईं। उन्होंने संघ प्रमुख का नाम लिए बिना उन्हें नागपुर का नाग बताकर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया। वहीं भड़काऊ बयान देते हुए कहा, अगर हमारे बच्चे गोडसे वाली सोच पर निकल गए तो देश का नजारा कुछ और ही होगा। मंच से प्रदेश के मुखिया योगी को सबसे बड़ा ढोंगी करार दिया। और NPR के बारे में बताने के लिए नहीं आया हूँ। यहाँ सब लोग बाहोश हैं, अवेयर हैं और हमारे बरसात जैसे जिम्मेदार रहनुमा आपके यहाँ मौजूद हैं, तो इन चीजों को बताने की जरूरत नहीं है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, खास तौर से उस तरफ मुझे तवज्जो आपकी मंजूर करानी है कि कुछ जगहों पे मैं देखता हूँ कि हमारे नौजवान बेकाबू हो जाते हैं, जज्बात में आ जाते हैं। ये समझ लीजिए कि ये आजादी की लड़ाई है, वो आजादी अंग्रेजों के खिलाफ थी, ये आजादी काले अंग्रेजों के खिलाफ है, बेईमानियों के खिलाफ है, तासुब और नफरत के खिलाफ है। इस आजादी को मुत्तहिद होकर लड़ना है, कानून की हिमायत में हमारी लड़ाई है और उन लोगों के खिलाफ है जो कानून को नहीं जानते और नहीं मानते, जो तली बार है, जो तली बार है, आज वो कानून बनाने का काम करते हैं। ऐसे तली बारों का बनाया हुआ कानून किसी कीमत पर नहीं माना जाएगा। हम कानून के अपने देश के संविधान की हिमायत में उठे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ये समझाने और बताने आया हूँ कि किसी भी कीमत पर कानून को अपने हाथों में नहीं लेना है। मैं ये बताने आया हूँ कि अगर हमने उस वक्त कुर्बानियां ना दी होती, नाजियां ना खाई होती, गोलियां ना खाई होती, अगर हमने गोड से जैसा अमल किया होता तो जैसे गोड से पर आज तक लानत भेजी जाती है, हमें डर ये है कि कहीं हमारे बच्चे उस रास्ते पर ना चल पाए। मैंने अभी नागपुर गया था, तो नागपुर वाला नाग बरेली आया। हम अपने देश से प्यार करने वाले लोग हैं, हम मोहब्बत और खुलूस वाले लोग हैं, हम एकता और भाईचारे वाले लोग हैं, हम शांति वाले लोग हैं। हमें समझने की कोशिश करो और गौर करो कि असल में आतंकवादी अगर कोई है, अगर ईमानदारी से, दयानतदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर गौर करने बैठ जाओगे मेरे हिंदू भाइयों, तो तुम्हें दिखेगा कि मुसलमान असल में आतंकवादी नहीं है। असल में कोई आतंकवादी है तो ये नरेंद्र मोदी है और ये अमित शाह है और ये योगी अपने आप को कहता है, ये योगी नहीं है, ये बहुत बड़ा ढोंगी है। मुकदमा लगाओ, हम तो कितने लगाओ, हम तो निकले हैं इसीलिए, हम तो निकले ही इसीलिए है इन ढोंगियों इन पापियों के खिलाफ जो हमारे देश, हमारे प्रदेश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। अपने भूपुल वतने के जज्बे से हम आए हैं और हमारी ये बहन बेटियां घरों से निकली हैं। मैं इसी अहसास के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ और अपने देश को गलत हाथों में बर्दाश्त नहीं करें। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि पिछले 20 साल से डॉक्टर साहब हमारे बहुत गरम फरमा रहे, हमारी बहुत तंजीम जो हमने उस वक्त बनाई थी इत्तेहाद ए मिल्लत, क्योंकि अल्लाह तआला ने जहन दिया है, सोच दी है और कुछ चीजें वक्त से पहले हम महसूस कर लेते हैं कि इस किस्म के हालात आने वाले हैं, तो उसके तदारुक के लिए हम कोशा हो जाते हैं। तकरीबन 20 साल पहले हमने इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल बनाई थी क्योंकि हमें इस बात का एहसास हुआ था कि मिल्लत में इत्तेहाद होना बहुत जरूरी है। और डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क उस वक्त हमारे सूबाई सदर थे और पूरे